हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो वीडियो का सेकंड पार्ट आ गया है और हम पहुंच गए हैं बारात में। हम हमीरपुर में बहुत बड़ा होटल जो था इन्होंने बुक करवाया हुआ था लड़की वालों ने, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था सारा कुछ है। और यहाँ पे ये मैं बाहर के अभी गाड़ी लगा रहे थे हम, तो मैं नीचे से ही जो थे पूरा व्यू ले रही थी होटल का। तो यहाँ पे ये पूरी शादी का अरेंजमेंट था यहाँ पे। ये जो है बारात अब पहुंच गई है ऊपर, और यहाँ पे जो थे सारी रस्में शुरू हो गई थी। और यहाँ पे जो दूल्हा जो था रिबन काट रहा था, और साथ में जो थे ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर बारात में। और यहाँ पे जो मतलब संबंधी होते हैं आपस में कुड़म कुड़म होते हैं, हमारे यहाँ कुड़म कुड़म बोलते हैं, तो वो जो थे आपस में एक दूसरे को जो थे माला पहना के स्वागत कर रहे थे। और दूल्हे को जो था अब लगन के लिए तैयार किया जा रहा था, लगन में बिठाने के लिए। और यहाँ पे सभी खड़े हुए थे और दूल्हे को ले जा रहे थे मतलब वहाँ के लिए जो बेद होती है उसके नीचे बैठाने के लिए। पर पहले उनका फ़ोटो शूट हो रहा था, सभी उनके साथ फ़ोटो वगैरह ले रहे थे दूल्हे के साथ। तो पूरा तैयार नहीं किया था मतलब अभी इनको, फिर यहाँ से तैयार करके वहाँ पे ले जाया जा रहा था बेद के नीचे। तो आप ये फ़ोटो ये जो है वीडियो देखते रहो, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आगे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वीडियो, तो देखते रहो आप। यहाँ पे उसके सभी रिश्तेदार जो थे खड़े हुए थे, जैसे मतलब दूल्हे के जो भी सगे सगे थे यहाँ पे खड़े हुए थे, मामा वगैरह, और साथ में जो भी उनके अपने मतलब जो चाचा ताऊ जी हैं वो सारे जो हैं, पापा उनके, वो सभी जो थे यहाँ पे खड़े हुए थे। और वो उसको जो थे मतलब पूरी तरह से तैयार करके फिर लगन के लिए ले जा रहे थे। 눈뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기 हम लोगों को वहाँ पे बहुत देर जो था होटल के बाहर खड़ा रखा, क्योंकि अभी जो थे वो मिलनी ही खत्म हो गई, बहुत लंबी चली हुई मिलनी, तो हम लोग जो थे बाहर ही खड़े हुए।
थक गए थे बात खड़े हो होके और सभी हो रहे थे जल्दी कर कितनी देर है, तो वो सबसे सबको हाथ पहना रहे थे, सबके साथ मिलनी कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो थे फिर वो अंदर ले गए फिर हमें। जैसे ही हम अंदर गए वहाँ पे भी डीजे लगे हुए थे और फिर हम सब जो थे वहाँ पे डांस करना शुरू कर दिया हमने। और ये देखो मैं भी नाच रही हूँ और सभी जो थी हम लड़कियाँ नाचना शुरू कर दिया हम लोगों ने। और आप देख लो हमारा डांस। अभी डांस करने के बाद हमने फिर स्नैक्स वगैरह खाए और फिर उसके बाद फिर से डांस करने के लिए चले गए। पहले हमने बैठ के खूब पेट भर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। पहले तो बाहर खड़े रहे इतनी देर और फिर उसके बाद जो थे फिर अंदर डांस आते ही डांस किया हमने थोड़ी सी देर। और उसके बाद जो है था फिर ये लगे हुए थे स्नैक्स वगैरह दे रहे थे वहाँ पे, तो वो खाए हमने और फिर से डांस शुरू कर दिया हमने। बहुत ज़्यादा डांस किया सबने यहाँ पे, इतने थक गए थे क्योंकि हम लोगों ने फिर यहाँ बारात अटेंड करके वापस भी आना था। तो फिर मैं तो ज़्यादा नहीं डांस किया पर जितना भी किया मतलब थक गए थे। इतना सफ़र था गांव से लेके हमीरपुर तक, फिर हमीरपुर से फिर हम लोग मंडी वापस आए और यहाँ पे भी डांस डूंस किया। तो मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतनी थकावट हुई थी कि मैं तो रास्ते में ही सो गई थी, गाड़ी में ही सो गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कब मंडी पहुँच गए। उन्होंने इतना अच्छा अंदर से डेकोरेट किया था जैसे हल्दी के लिए अलग जैसे बनाया हुआ था। यहाँ एक झूला था, मेरी बेटी ने शोर किया कि चलो झूले में बैठते हैं और मैं उसके साथ झूले में बैठी और मैं अपने परिवार के साथ भी हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो। फिर हम लोग जो थे लेट होने लगे थे तो डिनर स्टार्ट हो गया था, तो मैं जो थी यहाँ इस साइड भी आ गई देखने के लिए। भूखे वगैरह बहुत अच्छे लगाए हुए थे उन्होंने, तो यहाँ इस साइड देखा हमने कोई डिनर का जो भी उन्होंने मतलब वो सेटअप था बहुत ही अच्छा था। और सबको बैठने के लिए अलग अलग टेबल थे, बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ था सब कुछ और खाना भी बहुत टेस्टी था। जैसे ये थे मेन दूल्हे के लिए बहुत बड़ा टेबल लगाया हुआ था जिसमें, और सबके लिए जो थे अपने अपने परिवार के लिए मतलब 7-8 चेयर वाला टेबल लगाया हुआ था जिसमें सभी के परिवार अपने अपने खा सके। बहुत बड़ा हॉल था ये मतलब जिस पे जो थे सभी बैठ के खा रहे थे। और ये देखो जी हम भी अपना खाना लेके आ गए क्योंकि हम लेट हो रहे थे, हमने वापस भी आना था। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट किया करो। बाय बाय।